और सीरिया बन गया है सिर्फ इसलिए कि आप प्रधानमंत्री को मिलती हुई इज्जत के बारे में बात नहीं करना चाहते तो अपने देश में लेबनन सीरिया बना देंगे। मानव जायसवाल, मेरा आपसे यही सवाल है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है नाविका जी, और जिन्होंने भी लेबनन और सीरिया से भारत की तुलना की है, जिन्होंने भी की है, और लेबनन और सीरिया का नाम भी अगर आपके शो में जिक्र होता है तो भई ये देशद्रोही ताकतें हैं, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो। जिस तरीके से भाजपाइयों का चल चरित रहा है हमेशा पाकिस्तान को कंपेरिजन चार्ट या बिन बैग बनाने का, ये नॉर्मल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ही सम्मान मिलना चाहिए। हम तो इस भारतीय हैं, हम तो चाहते हैं कि जहां पे भी हमारे देश के कोई भी प्रतिनिधि जाए, कोई भी हमारा देश का रिप्रेजेंटेशन करे, उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज का देश नहीं है। 75 साल हुए हैं और हमारे जो पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है भारत को विश्व पटल में लाने का, चाहे वो इंफोसिस क्यों ना हो, चाहे वो TCS क्यों ना हो, चाहे वो हमारे DRDO क्यों ना हो, चाहे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम क्यों ना हो, चाहे हमारे जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं होमी भाभा जी क्यों ना रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी क्यों ना हो, जिन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है। आज एक अद्भुत सा दिशा है जहां रेडार को पता नहीं चलेगा हम बालाकोट में अटैक कर देंगे, जहां नाले के गैस से चाय बनाई जाती है मुझे वो साइंटिस्ट दिख रहा है, जहां एक साइंटिस्ट दिखा जो बोलता है मैंने तो प्राथमिक शिक्षा कहीं की ही नहीं, मुझे साइंस का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ मैं संस्कृत में भाषण देता हूं और मेरे मुंह से लड़खड़ाते हुए शब्द अशब्द निकल जाते हैं। नीलम कोहली ने जी बहुत अच्छी बात करी, कभी कभी मुझे चिंता नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल कॉलेज में जब हम थे और हमारे बीच में कोई एक मित्र हमारा होता था जो बहुत पैसे खर्च करता था, शॉपिंग करवाता था, कभी मिसाइल शॉपिंग हो गई, कभी रफेल शॉपिंग हो गया, ऐसे वो शॉपिंग करता था और हमारे अपने पिताजी के पैसे को ऐसे निछावर करता था। हम जानते थे ये ऐसा दोस्त है हमारा जिससे हमको फायदा मिलना चाहिए, तो जब भी हमारे पास आता था अरे अरे हर 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 हम करते थे। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि हमको फायदा हो रहा है। तो विश्व पटल में आज जो शॉपिंग स्प्री चल रही है ना, कहीं तेल की शॉपिंग, कहीं माल की शॉपिंग, कहीं ड्रग्स की शॉपिंग, कहीं रफेल की शॉपिंग, ये जो शॉपिंग चल रही है ना, इससे जो मुखौटा है वो दिख रहा है। और मान लीजिए नविका जी आप भी मानती हैं, ये 5 साल 7 साल 9 साल का डेमोक्रेसी नहीं है, 75 साल का लोकतंत्र है। बिल्कुल, लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में ही आज पूरा नहीं, नहीं पूरा का पूरा मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये 75 साल की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग कहेंगे कि लोकतंत्र मर गया तो लोकतंत्र मर जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये जो मान सम्मान प्रधानमंत्री को मिल रहा है ये शॉपिंग की वजह से मिल रहा है, ये कहने का मतलब है मानव जायसवाल जी का? तृणमूल कांग्रेस की सोच के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस देश को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उनका डिफेंस एक लेवल पे होना चाहिए था जो 2014 से पहले नहीं था, अब उसको कह रहे हैं कि ये शॉपिंग से खरीदा हुआ मान सम्मान है। जवाब दीजिए आज, क्या सोचते हैं आप? मुझे सचमुच शुरू में लगा कि मानव जायसवाल आज शायद थोड़ा सामान और उनका एक देश में एक राज्य में सत्ताधारी दल के प्रवक्ता की तरह होगा, लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है सचमुच ममता बनर्जी जी को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे प्रवक्ता रहेंगे तो उनकी पार्टी की छवि किस तरह होने वाली। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े बाप के बेटे की तरह अपने घर का पैसा लुटा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, जिस देश का प्रधानमंत्री देश की जरूरतों के लिहाज से इंडिजिनस प्रोजेक्ट बनाने के लिए 300 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट को तय करता है कि हम उसे बाहर से खरीदेंगे नहीं, बना दिया, और जितनी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम किसी भी खरीद के साथ शामिल करते हैं। लेकिन मानव जायसवाल को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो क्या दुनिया के लोगों को भी ये समझ नहीं आएगा? क्योंकि दुनिया तो जो देख रही है वो भारत के पहले की तुलना और अभी की तुलना भी कर रही है,
वो ये देख रही कि भारत ने डिसाइसिव लीडरशिप की वजह से किस तरह से भारत की पूरी व्यवस्था बदली है, और उस बदली व्यवस्था में भारत सबका सम्मान करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से दौर में भी भारत ने अमेरिका कमाल है। मुझे समझ नहीं आता किसी को मणिपुर में लेबनान और सीरिया दिख रहा है, को प्रधानमंत्री के मिलते हुए सम्मान का रीजन लग रहा है कि वो शॉपिंग है, मिसाइल और राफेल खरीद रहे हैं इसीलिए सम्मान मिल रहा है, लोग उनके पांव तक छूने को तैयार हैं, ये सिर्फ इसलिए पापुआ न्यू गिनी से उन्होंने शायद कुछ खरीदा होगा इसलिए किसी ने पैरों को हाथ लगाया, और ऋषि सुनाक उनसे गले इसलिए मिले क्योंकि भारत नतमस्तक है उनके सामने। ये किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता।